गेहूं की फसल इस समय भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होगी। जो गेहूं आपने पछाया लगाया है, पछेती गेहूं है, वो इस समय उसमें जो है गांठें बन रही होंगी, यानी फसल आपकी लगभग 60 से 65 दिन पुरानी हो चुकी होगी। इसी प्रकार जो आपने समय से गेहूं लगाया है उसमें बालियां निकल चुकी होंगी, और जैसे ही गेहूं में बालियां निकलती हैं उसी समय पे जो है उसमें फूल बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये गांठ बनने की अवस्था हो, चाहे आपकी फूल बनने की अवस्था या बाली निकलने की अवस्था हो, इन दोनों अवस्थाओं पर गेहूं की फसल में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस समय पर तुरंत जो है अपनी फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। और आम तौर पर वैसे भी गेहूं में 20 से 25 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहते हैं। सिंचाई करते समय आपको ख़ास ध्यान रखना है कि किसी एक कोने में या गहराई में जाके पानी ज़्यादा ना बहे, पानी आपका समान रूप से खेत में हो, और हल्का पानी आपको लगाना है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर बादल हो रहे हैं, बादल होने की दशा में आप सिंचाई जो है वो एक दो दिन टाल दें, क्योंकि बरसात अगर होगी तो फिर खेत में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जब आप सिंचाई कर रहे होंगे उस समय देखें कि हवा तेज़ ना चल रही हो, क्योंकि बालियां जिन पौधों में जैसे बन चुकी हैं उनके गिरने की संभावना अधिक होती है। अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं तो एक दो दिन आप सिंचाई ना करें, और अगर संभव हो तो आप दोपहर के बाद ही अपनी फसल में सिंचाई करें। गेहूं की फसल में इस समय पर कई प्रकार के रोग और कीट भी आ सकते हैं, और ख़ास करके जिन किसान भाइयों ने बीज की फसल लगाई है, जो गेहूं से बीज उत्पादन करना चाहते हैं, उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले उनको चाहिए कि उनके खेत में जो खरपतवार हैं उन खरपतवारों का निकालना ज़रूरी है। ख़ास करके जो गेहूं सा है या गुल्ली डंडा या बदरिया घास या गेहूं का मामा, कई नामों से इसको जाना जाता है, ये ऑब्जेक्शनेबल खरपतवार है बीज उत्पादन के लिए। तो बीज की फसल से जो ये खरपतवार है इसको निकालें, जंगली जई को निकालें, सेंजी हो, पालक हो, या हिरनखुरी हो, या कटेली हो, जो भी खरपतवार आपके बीज की फसल में हो उनको आपको तुरंत निकालना है। निकालने के लिए आप हाथ से उखाड़ के उनको बाहर कर सकते हैं, या फिर खुरपी और हंसिया की मदद से काट कर उन खरपतवारों को आप खेत से बाहर निकाल दें। साथ ही जो बीज की फसल है उसमें आपको ध्यान देना है कि बीमारी से ग्रसित पौधे ना हो। अगर बीमारियाँ आ रही हों तो उनका आप तुरंत नियंत्रण करें, और ख़ास करके जो कड़वा रोग है, कड़वा रोग जैसे काली बाली रोग किसान भाई कहते हैं, इस रोग में जो है फफूंद बीज की जगह पे काले रंग का पाउडर उसमें दानों में भर जाता है। तो इस तरह की बालियां अगर बीज की फसल में हैं तो उनको लिफाफे से ढक के या कपड़े से या कागज़ से ढक के उनको खेत से तोड़कर बाहर निकाल कर ज़मीन में दबा दें। इसी प्रकार जो बीज की फसल है उसमें आप सही तरीके से सिंचाई प्रबंधन करें, और साथ ही जो कीड़े और बीमारी अन्य प्रकार के आपकी फसल में आ रहे हैं उनका नियंत्रण करें। और कई बार देखने में ऐसा आता है कि बीज की फसल में कुछ ऑफ टाइप्स आ जाते हैं, जो हमारी दूसरी किस्मों के, जैसे गेहूं की मान लीजिए आपने एक ख़ास किस्म लगाई है, इसके अलावा कुछ दूसरी किस्मों के पौधे भी गेहूं के उसमें आ जाते हैं। उन पौधों की पहचान आप पत्तियों का रंग देखकर, पत्तियों की लंबाई चौड़ाई देखकर, या पत्तियों की बनावट देखकर, या बाली निकल गई है तो बाली, कुछ पौधों में अलग तरह की अगर बालियाँ निकल रही हैं तो उस तरह के पौधों को भी ऑफ टाइप को आप निकाल दें। इस प्रक्रिया को रोगिंग कहा जाता है, और ये बीज फसल में बहुत आवश्यक होती है।